गया जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के खुराल गांव निवासी 40 वर्षीय सुरेश यादव की अज्ञात लोगों ने हत्या कर चापाकल से शव लटका दिया। मृतक सुरेश यादव उर्फ लोहा सिंह के गले में गमछा का फंदा लगा हुआ था और चापाकल से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए आसपास के लोग घटना स्थल पर जमा हो गए थे। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पूर्व में भी लगभग 20 वर्ष पहले सुरेश यादव के पिता की भी हत्या कर दी गई थी। सुरेश यादव की हत्या कर चापाकल से टांग कर फांसी का रूप दिया गया था। मेडिकल थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुराल गांव बोलता है, सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति को टांग दिया गया हुआ है। ग्रामीण लोहा सिंह नाम उनका बताया जा रहा है। हम लोग तत्काल घटना से पहुंचे। उन लोगों का मांग है डॉग स्क्वाड मंगाया जाए। डॉग स्क्वाड आ रही है, जांच कर ले अगर तक कार्रवाई की जाएगी। ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है? नहीं, जनप्रतिनिधि वाली अधिकारी नहीं है। ये लोहा सिंह है नाम उनका, सुरेश यादव। कहाँ के रहने वाले? कुराल गांव। क्या प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रही है, हत्या या अभी कुछ पोस्टमार्टम बात ही कुछ बता सकता है? नाम है इनका सुरेश यादव। क्या करते थे? खेती करता था, घर में रहता था सर। कहाँ का रहने वाले हैं? खुरार का। इसकी हालत ये इनकी कैसे हो गई? इसकी खेती करने घूमने आया, ये स्थिति ऐसा आया, हल्ला हुआ तो देखा कि ऐसे लटका था कि फांसी लग गया। फांसी तो नहीं लगा है सर। क्या लगता है किसी के द्वारा हत्या की? किसी के हाथ के द्वारा हत्या है। पहले भी इनके परिवार के साथ कोई घटना हुई थी? हाँ, घटना तो साथ किया है सर। 20 साल पहले मेरे बाबूजी के हत्या करके नदी में डुबा दिया था। वजह खेती का विवाद था सर। क्या नाम है आपका? हमारा सर महर्षि यादव नाम है। उम्र तक के कौन हो गया? इसका सुरेश यादव। उनके कौन हो गया? हम भाई हैं। एक बार हैं। कब देखा आपने कि इस तरह की हालत में? करीब करीब हम सर 11:30 बजे आए थे स्थिति में देखे। किसी पर संदेह वगैरह है? किसी पर शक? शक तो सर सपन ज्यादा है, वो भोले ज्यादा भी। उन लोग को कही थी कि तुमको मर्डर कर रहे। हमको बदल हमको लोग क्या बदल? कब बोले थे ये बात? ये बोला था 1 महीना पहले सर। कहाँ रहते हैं लोग सकुन यादव? घर पर रहते हैं। तो बैजाक पहले से लड़ाई विवाद चल रहा था क्या? हाँ, जमीन का लड़ाई है। तो क्या लगता है उन्हीं के द्वारा हत्या की? हमारा तो संदेह लग रहा है कि सर वही हत्या किया है। पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस आई, चल गई कि इसकी लाश उठा, हमकी लाश नहीं उठेगा अभी से। क्या आप लोग की मांगे हैं? जांच वगैरह हमको मांग है सर। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।